जय जिनेन्द्र, वेलकम टू कुक विद चेतना। आज हम बनाने जा रहे विदाउट ब्रेड के टोस्ट। तो उसके लिए मैंने मूंग दाल को 5-6 घंटे के लिए धो के साफ भिगो के रखी थी। अब इसे हम पीसेंगे। तो उसके लिए मूंग दाल, फिर थोड़ा पानी और 2-3 हरी मिर्च, फिर इसका हम पेस्ट बनाएंगे। अब इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। तब तक हरी चटनी बनाएंगे इसकी। तो थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा हरा धनिया, 3-4 हरी मिर्च, 4-5 लहसुन की कलियाँ और 1 अदरक का टुकड़ा, न रोस्टेड पीनट्स और टेस्ट अनुसार सॉल्ट और थोड़ा पानी ऐड करके चटनी बनाइए। अब हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए प्याज, कैप्सिकम, पोटैटो बॉईल करके ले लिए है। अब हम राई जीरा का तड़का लगाएंगे, फिर ये सभी सब्जियां ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ा अमचूर पाउडर, चाट मसाला और टेस्ट अनुसार सॉल्ट। इसमें आप कैबेज, गाजर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मटर कुछ भी। और बॉईल किए हुए पोटैटो हम मैश करके इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, रेडी हो चुकी है स्टफिंग। अब हम इसे बैटर में सॉल्ट और इनो पैकेट आधा ऐड करेंगे ताकि बैटर एकदम फ्लफी फ्लफी बन जाए। अब हम डोसे के तवे पे इसे हम स्प्रेड करेंगे। एकदम पतला डोसा ना करें, इसे हम उत्तपम की तरह थोड़ा जाड़ा रखेंगे, उत्तपम से थोड़ा कम। इस तरह से इसे स्प्रेड कर देंगे। बाद में ये वाली स्लाइड इसकी पक जाएगी कि इसे हम पलटेंगे। फिर ये जो पकी हुई स्लाइड है उसके ऊपर हम ये पोटैटो की स्टफिंग स्प्रेड करेंगे और फिर से ऊपर यही वाला बैटर स्प्रेड करेंगे ताकि इससे पैक कर दे अच्छे से। और इसे हम पलटेंगे। फिर इसकी जो साइड छुट्टी है उसे हम चिटका देंगे और स्लो मीडियम गैस पे इसे पकाएंगे और जो एक्स्ट्रा होगा वो निकाल ले। अब नीचे से जब ये क्रिस्पी हो जाए तो ऊपर फिर से हम तेल या बटर कुछ भी लगाएंगे और इसे पलटेंगे, नहीं इसके ऊपर फिर से हम तेल लगाएंगे। आप बच्चों को दे तब ऊपर से ढेर सारा चीज डाल के दे सकते, तो वो बड़े चाव से खाएंगे। खाने में ये टेस्टी और हेल्दी भी है। इसे आप हरी मूंग दाल से भी बना सकते हैं। अब इसके हम पीसेस करेंगे और इसे हम ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये गरम गरम तो खाने में बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। ये देखिए, सैंडविच मूंग दाल के सैंडविच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं।